चलो ठीक है, जल्दी पानी पिलाओ तो मुझे मिठाई खिलाओ। चाह रही चलो मिठाई रख दो, पानी पिला दो। गाइज वेलकम टू नेहा शिवा ऑफिशियल। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अभी कर रही हूँ पूजा पाठ, जो कि बहुत ही जरूरी है। और सुबह से पानी नहीं पी हूँ, बहुत तेज प्यास भी लगा है इसीलिए सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ और पानी पी लूँ फिर। तो मेरी तैयारी हो ही चली है, लेकिन कथा भी तो कहना है ना करवा चौथ का। तो ये है तैयारी, और ये है करवा माता, और ये है नया पाठक। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या सिखाती हूँ। ओके, शिवा जी भाभी को कथा सुना रहे हैं। करवा चौथ व्रत कथा 3। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, उसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुख काटते थे। तीज त्यौहार पर भी सब उसके मायके से कोई नहीं आता था, तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह वह वर्ष भी करवा चौथ का बताया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई नहीं आया। यदि कोई होता तो करवा लेके आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक लाल बहुत देर से उसका रोना लगा, अपने दिल से निकल कर आया और छोटी बहू से पूछने लगा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर के आता। नाग को छोटी बहू का दया आया। नाग ने कहा, गाइस ये देखिए क्या हो रहा है। आज शिवा जी खुश बहुत हैं। तो गाइस जैसा कि हर पतियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 10 मिनट का सुख है वो आप लोग ले सकते हैं। तो अभी करवा चौथ का पूजा हो गया है और अभी देखिए सेवा हो रही है। ठीक है यार, साल दो साल में एक ही यार सेवा हो रही है, तो कम से कम हो तो रही है। जो बोलना है बोलते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिवा King of 10 minutes. You are so lucky, guys. I am so lucky, for... guys. तो आप लोगों को चांद दिखा सकते हैं। जय रहे चांद जी हैं। वो भी एकदम रेड है, गुस्से में मतलब प्यार से आए हुए हैं, गुस्से में नहीं है। बोले काम करके आ जाता हूँ, उधर मेरे काम चला लो। I've been thinking about myself today, thinking how I... आ गया है वो वाला सीन। कौन सा वाला सीन आ गया? पानी पी सब आ गया है। ये मोमेंट जब शिवाजी मिठाई खिला के भाभी को पानी पिलाएंगे। शिवाजी जल्दी करिए। कि आप मिठाई अच्छे से खाओ के लिए है। और एक बार फिर से दिखाइए।
ये लीजिए आप लोग पूरा मिठाई देखिए, इतना सारा मिठाई इनको मैं खिला के और पानी हाँ। पिला देता हूँ। चलो ठीक है, जल्दी पानी पिलाओ तो मुझे मिठाई खिलाओ। चाह रही चलो मिठाई रख दो, पानी पिला दो, खिला दो थोड़ा सा। चलो फोटो के लिए इधर पूरा खिलाना है। थोड़ा सा और खा लो। अच्छा एक बार अभी फोटो नहीं, खाने पे ध्यान दीजिए। इतना सारा इनको प्यास लगा हुआ है, अब नहीं समझ में आ रहा मुझे लोटे से पिलाऊं या ग्लास से। नहीं उसमें पानी नहीं है, बस इसी से पिलाइए। पानी है हाँ, बारिश से नहीं है। देखिए और क्या भाई, दिल्ली भाई एकदम खिला रहा है। हां ये खुद ही पहले खा गया, ये जरूर लेना। तो चलो लो मैं खिला रही हूँ गाइस। करवा चौथ का पूजा हो गया और अब मैं अपना ज्वेलरी रख रही हूँ और सही में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन सबसे पहले ये सब जो है इसको निकाल के रखना ज़रूरी है, तो ये सब हम निकाल के रख देते हैं। उसके बाद खाना पीना खाएंगे और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा लाइक कॉमेंट करिएगा एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब बताइएगा कि आपको कैसा लगा सब कुछ।